आजम नवाज शरीफ को आईसीयू से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज कहती हैं, अल्लाह के फजल व करम से वजीर आजम तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। वजीर आजम ने बजट को तरक्की पसंदाना करार दे दिया। वजीर खजाना को मुबारकबाद, कहते हैं मालियाती खसारा निस्फ और कौमी मजमूई पैदावार की शरह 4.7% हो चुकी। 3 साल में अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की। पनामा लीक्स के मामले पर वजीर दाखला ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं जिस पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन की, वो आज करप्शन का शोर मचा रही है। बाज अनासिर का मकसद करप्शन रोकना नहीं, सियासत चमकाना है। चौधरी निसार का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का ऐलान। टीयूआर कमेटी के इजलास में आज भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने ना आ सका। एतजाज अहसन कहते हैं मुलाकात में कुछ पेशरफ हुई, जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि डेडलॉक खत्म करने के लिए कोई पेशरफ नहीं हुई। ख्वाजा साद रफीक बोले कोई डेडलॉक नहीं, ऐसा तासुर देना मुनासिब नहीं। ईदी सेंटर कराची में मौजूद नन्हे अब्दुल्ला का तवील इंतजार खत्म होने के करीब। वालिद इकबाल चौधरी और सौतेला भाई अब्दुल्ला को लेने कराची पहुंच गए। और बॉक्सिंग की दुनिया के बादशाह मोहम्मद अली 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अली सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में जेरे इलाज थे। लेजेंड खिलाड़ी ने 61 मैचेस में से 56 जीते। अपने हौसले और जज्बे से दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज किया।